हाँ दोस्तों, वाओ अमेजिंग दोस्तों, हमारे बैटरी तो मुकम्मल तैयार हो चुकी है दोस्तों, ये वर्किंग दे रहे दोस्तों, आप देख दोस्तों ये किस तरह वर्किंग हो रहा है दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप देख दोस्तों ये वाली, आप देख सकते हैं दोस्तों ये वाली बैटरी दोस्तों, हमारी इलेक्ट्रिक बाइक की गाड़ी दोस्तों, ये बाइक इलेक्ट्रिक बाइक वाली बैटरी दोस्तों ये डेड हो चुकी है दोस्तों। आप देख सकते हो तो ये मेरे को 2.5 साल आ चुका है, इसका सर्विस दे चुकी है दोस्तों ये, अब इसका तो ये बैटरी बिल्कुल वर्क नहीं दे रही दोस्तों। आप देख सकते हो दोस्तों ये 12 वोल्ट है दोस्तों और 28 AH है दोस्तों इसका एम्प। आप देख सकते हो दोस्तों ये सिलेंडर बैटरी, ये वर्क दिया ज़्यादा हमारे को वर्क दे चुकी है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसको हम ये किस तरह इसको और बैटरी को हम रिपेयर करके 6 वोल्ट पर हमें उसको लगाना है दोस्तों, 6 वोल्ट पर कैसा लगा सकते हैं इसको हम, चलिए दोस्तों इसको कैसा हम इसे रिपेयर करेंगे और 6 वोल्ट को ये वर्क देगा या नहीं इसको जानेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप देखो दोस्तों ये वाली ज़्यादा डेड हो चुकी है, अब आपको मैं चेकिंग दिखाऊंगा मीटर लग के। हाँ दोस्तों, आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तों ये बैटरी और ये वोल्टेज कम आ रहा है दोस्तों, आप देखो दोस्तों इसके अंदर मैं दिखाऊंगा ये वाली वोल्टेज चेक करके। आप देखो दोस्तों ये वोल्टेज 10 दिखा रहा है दोस्तों, ये डेड हो चुकी है। हाँ आप देखो दोस्तों ये डेड हो चुकी है, इसका वर्किंग नहीं दे रहा दोस्तों हम इसको सही माने में। हाँ दोस्तों, आप देख दोस्तों ये देख सकते हैं दोस्तों, ये वाली 10 वोल्टेज दिखा रहा है, ये बिल्कुल वर्क नहीं दे रहा दोस्तों, इसको किस तरह हमें इसको रिपेयर करके ठीक माने पे सेट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर शॉर्टेज या आएगा या नहीं, ये कंडीशन में है या नहीं मालूम हमको, हमारे लिए पता चलेगा दोस्तों। आप देख दोस्तों मैं इसके वही लेके शार्ट कर रहा हूँ, ये वर्क कुछ भी शार्ट नहीं दे रहे दोस्तों, ये वर्क नहीं दे दोस्तों। यहाँ पर देख दोस्तों ये वाली, मैं इसको छोड़ा फिनिशिंग एमरी मार के इसको और एक मरतबा लगाऊंगा। हाँ दोस्तों, इसका कोई वर्क नहीं दे रहा दोस्तों, आप देख दोस्तों ये जितना वोल्टेज सेट करा दोस्तों। हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों इसको हम किस तरह इसको रिपेयर करके ठीक करने की कोशिश करेंगे, चलो फटाफट से मैं इसको ओपन करेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ दोस्तों, इसको धीरे धीरे से निकाल देना है, ये ऊपर वाली प्लेट को हम आराम से इधर करके इसे क्लीन से हम नीट से कर सकते हैं दोस्तों, ये धीरे धीरे खोल देना है ये प्लेट वाली, और प्लेट क्लीन करके हम इसको देखना दोस्तों, इसको धीरे धीरे करना है, मैं निकाल दे चुका दोस्तों ये, और प्लेट देख सकते हैं दोस्तों वाली यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसके वाली वाले कैप निकालना है, आप देख सकते दोस्तों मैं कैप निकाल चुका हूँ और दूसरे वाली भी कैप निकाल चुका हूँ। हाँ दोस्तों, ये वाली कैप आ चुकी है दोस्तों। दोस्तों, इसको हम किस तरह इसको एक बार तबा इसके अंदर वायर किया, कहाँ पर इसका लिंक गया है, इसको सॉल्डरिंग मदद से हम चेकिंग करें दोस्तों, इसको सॉल्डरिंग मदद से लिंक हमारे जिस पर है इसको हम ठीक करना है दोस्तों, इन्वर्टर और बैटरी। चलिए दोस्तों, मैं इसको यहाँ पर सेंटर पर होल डाल दूँ, एक मरतबा इसको इसकी लिंक चेक करेंगे हम। चलिए दोस्तों, फटाफट शुरू करेंगे। हाँ फ्रेंड्स, मैं इसको फटाफट से ये लिंक पोजीशन देख दूँगा दोस्तों, और इसको हम इस तरह लिंक बदलाना है दोस्तों, चेंज करना है, ये वर्क नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा, इसको लिंक नहीं दिख रहा दोस्तों, इसके लिए हम ये ब्लैक करके फिर और इसको ये मरतबा।
हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक मिल्ट हो चुकी है दोस्तों, बाजू ये वाली ये लिंक के लिए ये पॉइंट इसको हिट हो जा चुका है। इसको यहाँ पर एक मरतबा हम डस्ट क्लीन करके एक मरतबा टेस्टिंग करना है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप देख दोस्तों मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, ये क्लीन करके हम इसको एक मरतबा दे सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों फटाफट से इसको क्लीन करें। हाँ दोस्तों, ये डस्ट क्लीन करना है हम। अब इसमें तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट ही कट हो चुका है, एक वाली पॉइंट को हम इस तरह हम देख सकते हैं दोस्तों, ये वाली पॉइंट शॉर्ट होकर ये बर्न हो चुका है दोस्तों। इसके मेल्ट होने की वजह से यही कारण हो इसका है, ये यहाँ पर एक पॉइंट लिंक छूटा है। हाँ दोस्तों, आपको मैं दिखाऊँगा दोस्तों ये कितना किस तरह इसका वर्किंग देगा या कितना इसका अंदर कैपेसिटी है, ये 12 वोल्ट्स आएगा या नहीं आएगा, इसको मैं ठीक कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों मैं ये वाली टेस्ट कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मैं इसे एक मरतबा शॉर्ट करके हम देखेंगे कितना किस तरह इसका अंदर वाली वोल्टेज है। अब जैसे दोस्तों ये शॉर्टेज हो चुका है, हमारी बैटरी तो ठीक है और इसके अंदर वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इसको ऊपर वोल्टेज भी चेक कर ले हम। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वाली हम क्लीन कर रहा हूँ दोस्तों। ये पॉइंट जिस जगह कटिंग हो रहा है उसको हम एमरी मार के इसको मैं दोबारा इसको सेट करना चाह रहा हूँ दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसको ज़्यादा अच्छा क्लीन करना है। ये क्लीन करेंगे तो इसको अंदर ये मटेरियल साफ होगा और इसको फिर बतवा लगा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं एमरी मार रहा हूँ दोस्तों, और ये देख दोस्तों इसका पॉइंट कट चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इस जरा इसके अंदर ये लिंक कट हो चुकी है दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये वाली मैं निकाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों ये वाली लिंक यहाँ पर कट होकर पड़ी है दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसको हम फटाफट से इसको क्लीन करके एक मरतबा इसको स्क्रू बिठा के या साल्टिंग करके इसको बिठा देना। चलो फटाफट से शुरू करेंगे। हाँ दोस्तों, मैं इसको दोबारा एक मरतबा इसको शॉर्ट कर रहे हैं हम। हाँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इसका शॉर्टेज आ चुका है दोस्तों। कारण इसका कारण यही था दोस्तों, इसके अंदर एक वायर के
नीचे शॉर्ट हो चुका था, इसकी वजह से कट होना। अब जैसे दोस्तों इसके अंदर स्पार्किंग आना शुरू हुआ है, और ये वाली को हम इसको फिर मरतबा इसको हम साफ साफ के साल्टिंग करके देना दोस्तों। अब ये वो होल के हम इसको डमी करके ढाप देना है दोस्तों, और इसको साल्टिंग कर देना है दोस्तों। साल्टिंग करके इसका हम इसको थोड़ा एमसी लगा के इसको फिनिशिंग कर देना है दोस्तों। चलो फटाफट से शुरू करेंगे। दोस्तों इसको एक मरतबा हम ये तो शेडिंग हो गई है, मैं इसको सॉल्डरिंग भी कर चुका हूँ दोस्तों। अब जैसे दोस्तों ये वाली सॉल्डरिंग भी हम करे हैं, और इसको आपको मैं वोल्टेज दिखाऊंगा दोस्तों ये कितना आ रहा है टीसी, वो दिखाएंगे दोस्तों। ये वाली माइनस है और ए प्लस है दोस्तों। अब जैसे दोस्तों ये वाली सॉरी, अब जैसे दोस्तों ये 12 वोल्ट्स आ रहा है दोस्तों, हमारा सप्लाई के वोल्टेज दिखा रहा है दोस्तों। अब दिखाऊँ दोस्तों मैं, ये होगा हमारा 12 वोल्टेज दोस्तों। इसका कारण दोस्तों यही प्रॉब्लम था इसके अंदर, ये वाली यहाँ पर मेल्ट होकर इसका शॉर्टेज हो चुका है दोस्तों। आप देखो दोस्तों ये वाली जगह कट हुआ चुका दोस्तों। इसका कारण यही है दोस्तों, जब भी आपकी बैटरी प्रॉब्लम है उसको एक मरतबा चेक करें, और ये वाली ऐसा प्रॉब्लम आया दोस्तों, इसको मैं नहीं बोलना पड़ा। इसके लिए दोस्तों आप इसको चेक करके फिर इसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं दोस्तों, रीवर्क हमें इसको कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट भेज दें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको हम इसको पैक करके ये वाली इसको क्लियर करेंगे हम, इसको मैं एमसी लगा के पैक करूंगा दोस्तों।
चलिए दोस्तों मैं दिखाऊंगा ये वाली पैक करने पर सही माने बैठा गया दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं इसको मिला के दोनों ये वाली एम सील को हम मिला के लगाएंगे दोस्तों, ये वाली मिले एम सील। चलिए दोस्तों थोड़ा बस हमें इसको मिला देना है और ये इतना कर लेना है और ये वाली इतना कर लेना है दोस्तों। अब देखो दोस्तों ये दोनों मिला देंगे हम, ये मिला के सेट करेंगे दोस्तों। चलो फटाफट से मिलाएंगे। हाँ दोस्तों आखिरकार हमारी बैटरी मुकम्मल तैयार हो चुकी है दोस्तों। अब जैसे दोस्तों ये पूरा वर्किंग हो चुकी है, हमारी बैटरी यही इस तरह कंडीशन आ चुकी है दोस्तों। हाँ दोस्तों आपको ये बैटरी वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट बताएं, और हमारे चैनल अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। हाँ दोस्तों फिर मिलेंगे नई वीडियो पर दोस्तों।